अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल है और आज हम जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कंटेंट किसी ने कॉपी तो नहीं किया या किसी ने कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो इस टूल का नेम है कॉपीस्केप। ठीक है, आप इसकी इनकी वेबसाइट पर जाएँ। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, copyscape.com। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप सिंपली अपना जो है, फॉर एग्जाम्पल आप स्पेसिफिक पेज ही देखें लिखा हुआ है सर्च फॉर कॉपी ऑफ योर पेज ऑन दी वेबसाइट। ठीक है, मैं कॉपी अपने आप सर्च कर लेता हूँ। सिंपली ठीक है, तो आप जिस भी स्पेसिफिक पेज या वेबसाइट का कंटेंट चेक करना चाहते हैं कि किसी ने इनका कंटेंट कॉपी तो नहीं किया हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर किसी ने भी इसका कंटेंट कॉपी नहीं किया, तो अब मैं सर्च करता हूँ किसी और वेबसाइट को, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेता हूँ फाइबर। ठीक है, एक बड़ी वेबसाइट है, सर्च कर लेते हैं fiverr.com। तो ये देखिए इस पर आ गया कि इन्होंने इनका कंटेंट कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो इससे इस टूल की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि किस किस वेबसाइट ने आपका कौन कौन सा कंटेंट जो है वो चोरी, एक तरह का इसको चोरी ही कह सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, या कॉपी करके अपना कंटेंट ऐड करना थोड़ा सा। ठीक है, 60% आपका और 30% अपना या 40% अपना। ठीक है, तो इसको एक तरह से हम चोरी ही कह सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से या किस किस वेबसाइट ने आपका कंटेंट जो है वो कॉपी किया है। ठीक है, और आप जाकर इस टूल की मदद से आप ये चेक भी कर सकते हैं कि किस किस ने आपका कंटेंट कॉपी किया है उस वेबसाइट को, और आप चाहें तो उस वेबसाइट पर जाकर उनसे कॉन्टेक्ट करके कह सकते हैं कि आप ये कंटेंट रिमूव करें या इसके नीचे हमें क्रेडिट दे दें। अगर तो वो क्रेडिट दे देते हैं तब तो ये हमारा सिंपली बैकलिंक बन जाएगा, जो जिसके लिए हमें ही बेनिफिट होगा। ठीक है, वहाँ पे हमें ही क्रेडिट मिलेगा। तो इस टूल की मदद से आप ये कर सकते हैं और आप अपना कंटेंट सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।